हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, तो आप जान रहे हैं कि GDS में काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, जो वीडियो बना चुका हूँ नीचे आप जाके देख सकते हैं। तो वीडियो बन चुका है, उस पर कैसे फिल करना है, और जिन्होंने फिल कर लिया उनका अप्लीकेशन फ़ी अगर नहीं हो पाया है, पेमेंट नहीं हो पाया है, तो डायरेक्टली लिंक पर जाकर पेमेंट कर सकते हैं। या आपका फॉर्म स्टेटस चेक करना है तो GDS का फॉर्म स्टेटस, जिन्होंने फॉर्म फिल कर लिया है, तो चलिए हम स्टेटस चेक करके दिखाते हैं। तो स्टेटस चेक करने के लिए या प्रिंट लेने के लिए सबसे पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और इनका ये फॉर्म फिलअप हो चुका है। तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले GDS ऑनलाइन फॉर्म, यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन के बाद अप्लीकेशन फॉर्म एंड चूज़ द प्रिफ्रेंस। तो प्रिफ्रेंस चुनने के लिए सबसे पहले आप देख लेंगे कि कहाँ पे कैटेगरीज वाइज वैकेंसी है। तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपका जैसे ही लिंक पे जाएंगे तो वहाँ पे कैटेगरीज वाइज वैकेंसी दिखाया गया। तो चलिए मैं कैटेगरीज वाइज वैकेंसी आपको चेक करके बता दूंगा, अभी देख के बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में भी जो वीडियो मैंने अपलोड किया उसमें सारी बात बता दिया कैसे फॉर्म फिल करना है। तो जाकर वीडियो को अच्छे से देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। तो सबसे पहले इसमें इस फॉर्म का ये यहाँ पे फिल हो चुका है, आप देख सकते हैं ये फॉर्म फिल हो चुका है, सक्सेसफुल है, एंड प्रिंट एंड सब चीज़ हो चुका है इस फॉर्म का। तो स्टेटस मैंने अभी चेक किया तो स्टेटस भी ओके है। तो चलिए सबसे पहले गूगल पे आएंगे और सिंपली सा यहाँ पे GDS टाइप करेंगे, GDS, और जैसे ही सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं ऊपर आ गया। और यहाँ पे ऊपर आने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, आप अपना यहाँ पे स्टेट देखने के बाद जिस स्टेट में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए मैं बिहार पे यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ पे बिहार वाला ओपन, अभी साइट अच्छी चल रही है तो बिहार पे ओपन मैं कर दिया हूँ। यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन पे मैं क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले आपको मैं डिवीज़न वाइज दिखा दूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज में जिसमें औरंगाबाद, बिहार, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, डिवीज़न ऑफिसर, कटिहार, ईस्ट चंपारण, गया, मधुबनी, जिस जिला से आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं अभी एक सिंपल सा मुजफ्फरपुर का दिखाता हूँ, यहाँ पे कितना सीट है। तो मुजफ्फरपुर पर जैसे क्लिक किए व्यू पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो रहा है, ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन हो चुका है। और यहाँ पे सबसे पहली बात बताएं, मुजफ्फर डिवीज़न में BO GDS AVN यहाँ पे विकलांग का सीट जो है ऊपर दिखाया गया है, एंड जनरल का भी सीट है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं तो जनरल वाले जनरल में भी भरे हैं एंड कैटेगरीज वाइज भी सीटें हैं। तो यहाँ पे आप देख लें, सबसे पहले यहाँ सीट की बात है, कहाँ पे कितने सीट हैं, एक एक सीट है यहाँ पे, तो ये सीट देख सकते हैं। अगर मान लीजिए सपोज डैट मुझे दूसरा जिला का देखना है, मान लीजिए एक तरह से पटना, तो पटना में मैंने देखा तो पटना में कितने सीट है, तो ये सीट आपको यहाँ पे चेक, तो सीट वाइज यहाँ पे चेक भी कर सकते हो। तो ऐसे दोस्तों फिल करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।